दर्शन करने जा रहे थे दोनों। पथरिया क्षेत्र के सदगुआ गांव के पास की दुर्घटना है, जहां पिता और पुत्र दोनों की ही दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि दमोह में यह हादसा हुआ है और अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। बांदकपुर दर्शन करने दोनों जा रहे थे और इस बीच दुर्घटना। और वहीं भिंड में मजदूरी करने आए दंपत्ति के बच्चे खेलते समय अचानक से गायब हो गए। पॉश कॉलोनी से दो बच्चों के गायब होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी परिजनों और लोगों को पुलिस ने दी तो शहर में नाकाबंदी कराई गई है। इस दौरान एक ई रिक्शा चालक बच्चों को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल उनके माता पिता को सौंप दिया है। क्या बच्चे को गए बड़ौदाबाजार से खबर, जहां डीएफओ ने बड़ी कार्रवाई की है और बाघ विचरण क्षेत्र से तीन संदिग्ध शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वन्य जीवों का शिकार करने का आरोप इन पर है। घर में वन्य जीवों के अंग भी मिले हैं। इन शिकारियों पर ये कार्रवाई की गई है और साथ ही आपको बता दें कि इनके घर से जो वन्य जीव है उनके अंग भी मिले हैं। शिकार करने के इन पर आरोप लग रहे हैं। जहां ये शिकारी जंगलों में पहुंचते थे, शिकार करते थे, तीन संदिग्ध शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सारंगढ़ की, जहां महिला के मौत के बाद क्रैशर प्लांट सील कर दिया गया। वेट पाइप टूटने से महिला की मौत हुई थी। खबर दिखाने के बाद खनिज विभाग की टीम क्रशर प्लांट पहुंची। प्लांट में अनियमितताएं पाई गई थी। नोटिस देने के बाद क्रशर प्लांट को सील कर दिया गया। तो वही छतरपुर में एफएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और कार से जब्त किए गए 8 लाख रुपए। कार की डिग्गी से रुपए जब्त किए गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। मामले की जांच में एफएसटी जुटी है। और अब टीकमगढ़ की, जहां बेटे ने पिता की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी से अवैध संबंध में पिता को मौत के घाट उतारा और गला दबाकर पिता की हत्या कर दी। पत्नी के साथ मारपीट की गई है। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस जुट गई है। चंदेरा थाने की ये पूरी घटना है। भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 1015 बदमाशों को पकड़ा। कुछ बदमाश 2 साल से फरार थे। कॉम्बिंग गश्त पर पुलिस के 1000 जवान अभी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। स्थायी वारंटियों की संख्या लगभग 526 है और गिरफ्तारी वारंटियों की संख्या 346, जमानतियों की 107 और 35 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर भोजशाला की, जहां सर्वे का आज तीसरा दिन है। मुस्लिम पक्ष ने पहले दिन का सर्वे निरस्त करने की मांग की। अब्दुल समद ने एएसआई से मांग की है और अब्दुल समद ने ईमेल भी किया है। पहले दिन मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल नहीं हुआ था। देखो आए थे।
गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार के दौरान जानकी सहरिया के घर खाना खाया। आदिवासी जन चौपाल में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो केवल उनके नेताओं के नाम पर जयंती मनाई जाती थी। उनकी माने तो पीएम मोदी के विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आदिवासी समाज इस क्रांति से नहीं जुड़ेगा। और अब बात जशपुर की करेंगे, जहां नायब तहसीलदार राहुल कौशिक पर वार्ड बॉय से बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। जिला चिकित्सालय के 24 कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। एसडीएम और नायब तहसीलदार बदसलूकी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नायब तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। तो जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में लगातार नजर भी बनी हुई है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तमाम ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बिगड़े मौसम और महंगाई के साथ चुनाव माहौल में इस बार लोग होली मना रहे हैं। कोंडागांव में भी होली का बाजार सजकर तैयार है। बाजार में रंग बिरंगे पिचकारियों के साथ मोदी योगी की पिचकारी लोगों को लुभा रही है। मौसम को देखते हुए दुकानदार भी परेशान है। स्टॉक में बहुत सारा स्टॉक नहीं है, किसी के पास माल है किसी के पास नहीं है, और जो माल है कम स्टॉक की वजह से रेट ऑटोमेटिक जहां से हम लाते हैं रायपुर से लेके आते हैं, इधर जगदलपुर से लेके आते हैं, तो महंगाई तो है स्टॉक नहीं होने की वजह से। ग्राहकी में तो ज़रूर असर पड़ेगा, दो दिन पहले बारिश भी बहुत तेज हुई है, उसके बाद मेला चल रहा है तो असर तो पड़ेगा ही, महंगाई का असर रहेगा प्लस लोगों के पास खर्चा भी कम हो जाएगा। महंगाई का असर है थोड़ा सा, और बस मौसम का भी है, दो दिन पानी गिर गया तो दुकान लगा नहीं पाई इसमें, है ना। और रही बात रेट का, तो थोड़ा सा भी इस बार पिछले साल की अपेक्षा में कुछ कुछ थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और बाकी तो ठीक ही है, बाकी रेट में कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा चुनाव का असर तो दिख रहा भी है ना। पाबंदी लगे हुए हैं, खुल के आदमी कुछ कर नहीं पाएगा अच्छे से, जो हर साल आदमी जो खुल के खेल लेता है इस बार थोड़ा सा। महंगाई के साथ मौसम की मार और लोकसभा चुनाव के बीच लोगों की होली मनेगी। इस बार पूरा होली जो है चुनावी माहौल में बीतेगा ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये मोदी और योगी, इनकी पिचकारी आई हुई है। एक ये हैं जो मोदी जी हैं और योगी जी हैं, लोग इन मोदी और योगी की पिचकारी से होली खेलेंगे। और हमारे साथ में दुकानदार हैं। भैया, इस बार क्या दिख रहा है असर? इस बार तो माहौल ठंडा लग रहा है, मेला भी साथ में, इस बार दो दिन पानी गिर गया ना, अभी और चांस है पानी गिरने का बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस बार सीजन अच्छा रहेगा, कमज़ोर लग रहा है। महंगाई कितनी भारी पड़ रही है? महंगाई तो बहुत भारी हो गया है, पिछले साल की अपेक्षा रंग गुलाल तो अच्छा है, कलर भी अच्छा आया है, महंगाई में तो मेरे को बहुत डाउन लग रहा है। हाँ महंगा है, कुछ बढ़ा है दाम कुछ चीज़ों का। तो ये हैं दुकानदार, जिनका कहना है कि मौसम की मार उस पर महंगाई कहीं लोगों की होली को फीकी ना कर दे। बहरहाल दुकान सजने लगी हैं और लोग धीरे धीरे ग्राहक यहाँ पर दुकानों में पहुँचने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और एक नजर टॉप 20 खबरों पर। धार भोजशाला में सर्वे का तीसरा दिन एसआई की टीम का